हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पीएमआर स्मार्ट लर्निंग। और आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ के ब्रिज कोर्स का सब्जेक्ट इंग्लिश की टेस्ट 2। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड राइट इट्स सेंट्रल आइडिया इन अ सेंटेंस। तो ये यहाँ पे हमें एक पैसेज दिया है, इसका हमें सेंट्रल आइडिया एक सेंटेंस में लिख के बताना है। तो दोस्तों ये रहा आंसर, द गिवन पैसेज शोज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द गिवन न्यूज़ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ऊपर दी गई न्यूज़ पे हमें ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिखाए, इन तीनों को हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर इसमें न्यूज़ में ही है। तो ये रहे उस तीनों क्वेश्चन के आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डस IMD स्टैंड्स फॉर? IMD स्टैंड्स फॉर इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। एंड सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल कैपिटल दिल्ली लाइकली टू विटनेस प्री मॉनसून शावर्स? तो इसका आंसर है, द नेशनल कैपिटल दिल्ली इज लाइकली टू विटनेस प्री मॉनसून शावर्स ऑन फ्राइडे। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट विल नॉट हैपन टिल द नेक्स्ट 5 डेज एज पर IMD फॉरकास्ट? तो इसका आंसर है, एज पर IMD फॉरकास्ट द कंडीशन एडवांस ऑफ मॉनसून over Delhi may not happen at least till the next 5 days. तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग लेटर्स। तो फर्स्ट में आएगा N और सेकेंड में M। फर्स्ट शब्द हो जाएगा फनी और सेकेंड शब्द है क्रम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स एट 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ द प्रीवियस वर्ड। तो यहाँ पे हमें दिया गया था स्कूल, तो इससे हमने ये वर्ड्स बना लिए हैं। वैसे यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड बनाने को गए थे, पर मैंने थोड़े ज़्यादा बना दिए दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जांपल। तो यहाँ पे बीच में ट्री, तो ट्री से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो टॉल पहले से दिया गया है और बाकी के जो 4 है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। फर्स्ट इज डिस्प्यूट, इट मीन्स आर्ग्यूमेंट, एंड सेकेंड इज अरोमेटिक, मीन्स फ्रेग्रेंट। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर, जो कि है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू टेक केयर ऑफ। तो इसका आंसर है, माई मदर ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ आवर फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड डू एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे दिया गया, आइडेंटिफाई एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट, एंड आइडेंटिफाई एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट। और नीचे 2 सेंटेंस दिए हैं, तो उसका आंसर ये रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग का आंसर है इंट्रोगेटिव, और सेकेंड का है वाओ व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज, तो इसका आंसर है एक्सक्लेमेटरी। और इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया है, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट देम। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में हमें दिया गया, इमेजिन दैट यू आर संस्कार / संस्कृति डी नारायणकर। तो यहाँ पे उसका एड्रेस दिया गया सामने, और नीचे एक एडवर्टाइज है जिसपे हमें लेटर लिखना है। तो एडवर्टाइज में पढ़ता हूँ, मेलोडियस लिटिल चैम्प्स गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यंग बर्डिंग सिंगर्स, ऑडिशन आर नाउ ओपन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 12 to 16, वेन्यू भारत नाट्य गृह इचलकरंजी। डेट यहाँ पे दी है 15/7/2021 to 30/7/2021। फॉर मोर डिटेल्स राइट टू मिस्टर डी प्रवीण इन चार्ज सिंगर्स एसोसिएशन इचलकरंजी। नोट, ब्रिंग योर प्री रिकॉर्डेड सॉन्ग इन अ पेन ड्राइव फॉर द ऑडिशन। यहाँ पे नीचे दिया है फॉर्मल लेटर, राइट अ लेटर टू योर स्कूल हेडमास्टर / हेडमिस्ट्रेस रिक्वेस्टिंग हिम हर टू गिव यू परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। यूज द पॉइंट्स गिवन इन अबव एडवर्टाइजमेंट एंड यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप संस्कार या फिर संस्कृति नारायणकर हो, और आपका एड्रेस ये है, और आपको, आप सांगली में रहते हो, और आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनसे परमिशन मांग रहे हो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमें जो एडवर्टाइज में पॉइंट्स दिए गए उसको यूज़ करना है, या फिर हम अपने मन से भी कुछ कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में, संस्कार डी नारायणकर
01/742 वर्धन चौक सांगली 412321 28 July 2021। बाद में हमें एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद टू द पीपल, नीचे की लाइन में पी वसंत दादा पाटिल हाई स्कूल सांगली। तो एक लाइन छोड़ के हमें यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है सीकिंग अ परमिशन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट। इवेंट का नाम मैंने नीचे लिखा है मेलोडियस लिटिल चैम्स। तो एक लाइन छोड़ के हमें फिर से लेटर ऑफ स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, आई एम संस्कार स्टडिंग इन क्लास 10th। आई हैव कम अक्रॉस एन एडवर्टाइजमेंट इन द स्कूल नोटिस बोर्ड। इट इज़ अबाउट अ प्रोग्राम कॉल्ड मेलोडियस लिटिल चैम्स। सिंगिंग इज़ माई पैशन, सो इट इज़ अ गोल्डन चांस टू टेक पार्ट इन दिस इवेंट एज द ऑडिशंस आर फ्रॉम 15th to 30th July। देयर इज़ लिटिल चांस दैट आई मे मिस आउट ऑन सम क्लासेस। फॉर पार्टिसिपेट आई नीड मोर टाइम, सो प्लीज़ गिव मी द परमिशन टू टेक पार्ट इन द इवेंट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम्प्लीट द ऑल पेंडिंग एक्टिविटीज़। तो ये लिखने के बाद हमें एक लाइन छोड़ के नीचे लिखा है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद भी हमें एक लाइन छोड़नी है। बाद में हमें लिखना है यूअर फेथफुली। तो इस तरह का हमारा लेटर का फॉर्मेट होगा दोस्तों। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे नीचे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।